हेलो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप सभी कैसे हो? आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये है कार्तिक पूर्णिमा का ब्लॉग। जिस दिन ग्रहण लगा था तो ये चांद का दृश्य है जो बत्ती की तरह दिख रहा है। तो मेरी मोबाइल काफ़ी हिल रही है और रात हो गया था, तो मैं आई थी नहाने के लिए ग्रहण छूटने के दौरान। उसके बाद देखे चांद काफ़ी प्यारा हो गया है, तो इसको आधा खा भी चुका था। तो बस यह चंद्रमा अपने रूप में आ गई है और मैं नहा धो के बच्चों लोग को भी कपड़े चेंज कर दी थी। तो ठंडी थी तो बच्चों लोग को मैंने कपड़े बदल के गंगा पानी छिड़क दिया था, घर में भी छिड़क दिया था और पूजा स्थल में भी छिड़क के मैंने साफ करके मैं संध्या कर रही हूँ। तो इसे नहीं रखना चाहिए। फिलहाल 7 बज गया था, 6:30 बजे ग्रहण छुट्टी थी। तो बस मैं यहाँ पर दिया बत्ती कर रही हूँ और बच्चे लोग भी वेट कर रहे हैं कुछ खाने के लिए। तो बस मैं यहाँ पे डिनर बनाने के लिए लगी थी, तो बच्चे लोग चाय वाय पी लिए थे। और यहाँ पे मैं आज बिना प्याज लहसुन की ही सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है, जो साल भर की सबसे बड़ी पूर्णिमा, जो आदमी कहाँ जहाँ नदी में नहाने जाते हैं। तो हर से फिलहाल हम लोग कहीं नहीं गए थे, तो बस मैं यहाँ पर चने दाल की सब्ज़ी बना रही हूँ, दाल बना रही हूँ। और मैं प्याज लहसुन नहीं देती हूँ पूर्णिमा एकादशी सब में, और हमारे यहाँ मंगलवार बृहस्पतिवार को प्याज नहीं बनती है। तो बस मैंने टमाटर, नमक, हल्दी और कश्मीरी मिर्च और तड़का मसाला डाल के मैं ही दाल बना रही हूँ, चना दाल, जो हमारे बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। और हमारे बच्चों लोग को आदत भी है, बिना प्याज लहसुन की भी सब्ज़ी टेस्टी लगती है उन लोग पर। आप लोग भी ऐसे ट्राई कीजिएगा। तो एक तेज़पत्ता मैंने डाल दिया था, उसमें अच्छी स्मेल आती है, और मैं इसको अच्छी तरह से मसाले को ढक ढक के फ्राई कर ली थी और मैं दाल को ऐड कर दी हूँ। तो बस मैंने सारे बर्तनों को भी धो लिया था, कोई भी बर्तन नहीं रखी थी, सिर्फ दूध था और कोई खाने का भी चीज़ बना हुआ नहीं रखी थी। दूध थी तो उसमें मैंने तुलसी दल डाल के रख दी थी, क्योंकि तुलसी दल डालने से ग्रहण के दौरान कोई चीज़ ख़राब नहीं होती है। तो बस मैंने दूध में तुलसी पर दल डाल दी थी। और यहाँ पे मेरी दाल रेडी हो गई है, चने दाल, और मैं यहाँ पे धनिया पत्ता दे दी हूँ। तो बस धनिया पत्ता तभी ठंडे में काफ़ी आ रही हैं और सस्ती भी हो गई है, तो बस धनिया पत्ता डालने से टेस्ट भी बढ़ भी जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने दाल बना ली थी और मैं रोटी बना रही हूँ, और बच्चे लोग को भी भूख लगी थी। ऐसे 5:30 बजे बिस्किट उसे खा लेते, लेकिन ग्रहण के दौरान मैंने किसी को कुछ खाने नहीं दिया था। तो बस मैंने सारे चीज़ों को मैंने साफ़ सफाई कर ली थी और उसके बाद मैं गई थी नहाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं गर्मा गर्म रोटी बना लूँगी और बच्चे लोग को भी खाने के लिए दे दूँगी। ऐसे तो हमारे यहाँ रात में 9-10 बज ही जाते हैं, ऐसा शेड्यूल हम लोग का चलता ही है, क्योंकि मैं लग चाहूँ तो भी जल्दी नहीं हो सकती है, क्योंकि इनके पापा का ऐसा काम ही है। तो बस मैं यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी सेक लेती हूँ, और ये वीडियो बना रहा था मेरा बेटा, तो उसको ऐसे बनाने का मूड किया तो वही बना रहा था। और मैंने आटा को गून के रख दिया था ना, तो रोटियाँ ऐसे ही फूली फूली होती है, तो आप लोग समझ सकते हैं, और बहुत कोई जानते भी हो, यह कोई नई बात नहीं है। तो बस मैं यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ सेक लूँगी। और मेरे जो वीडियो में नए आ रहे हो दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ऐसे कमेंट कर लेते हैं और निकल जाते हैं, ना लाइक करते हैं और ना सब्सक्राइब करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए प्लीज़। आप फुल सपोर्ट कीजिए, मैं भी आपको फुल सपोर्ट दूँगी, भले थोड़ी लेट आऊँगी लेकिन दूँगी ज़रूर। तो बस ये मैं यहाँ पे रोटियाँ बना लूँगी और उसके बाद मैं बच्चों लोग को भी खाने के लिए दे दूँगी। तो बस बच्चों लोग को भी पढ़ाई हो गई थी और उन लोग को भूख भी लगा था, तो बस मैं यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ सेक लूँगी और सबको लगा दूँगी खाना। तो यहाँ पे देखिए मैं साथ में दूध भी दे रही हूँ, तो बस यहाँ पे मैं दोनों बच्चों को दूध दे दूँगी। और बच्चों लोग को चीनी के साथ आने का आदत नहीं है, और इनके पापा को थोड़ी बहुत चीनी मैं दे दूँगी, क्योंकि उनको रोटी के साथ खाना है, तो वो चीनी थोड़ी रोटी के साथ खा लेते हैं, चीनी डाल के ही दूध खाते हैं, और बस बच्चे लोग ऐसे ही मेरे पीते हैं। तो बस मैं सबको डिनर लगा दे रही हूँ, और ये मैं तड़का, रोटी और दूध, डिनर लग गया है, बच्चों का फेवरेट। तो बच्चों लोग को दाल काफ़ी पसंद आता है। और शायद फ़िलहाल 9:30 बज ही गई थी, काफ़ी लेट हो गई थी, और मैं बर्तन हमेशा कुछ होते ही तो फिर मैं धो लेती हूँ, ताकि करना तो मुझे ही है और काफ़ी रात हो जाती है तो मैं भी थक हो जाती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे बच्चों लोग को डिनर दे दूँगी और मैं भी कर लूँगी। तो बस खाना पीना हो गया था, मैंने सारी सफाई भी कर ली थी, अब उसके बाद मैं ये बर्तनों को इसे सेट कर दूँगी ताकि वह पानी रात भर निकलती रहे। और मैं एक लोटा पानी हमेशा लेके रखती हूँ, ताकि वो लोटा पानी रात सुबह मेरा गरम करके मैं खाली पेट ऐसे ही पीती हूँ, मेरा आदत है, और पीना सेहत के लिए गर्म पानी सुबह सुबह अच्छी भी बात है। तो बस मेरी वीडियो यहीं तक थी दोस्तों, और यदि मेरी वीडियो आप सभी को थोड़ी बहुत पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, नए आते सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फिर